यहाँ देखिए कितना फ्रॉड, पूरा पानी जो हम उस दूसरी तरफ आए हैं, अब ये जो वियर जिसको डिसमेंटल यानी नीचे उस वियर को तोड़ के फिर से ऐसा सीमेंट का बनाया गया, और यहाँ पर से वो पूरी फ्लो ऑफ वाटर को आप देख सक रहे हैं। देखिए पूरी फ्रॉड जमा हो गई यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए कितनी पूरी फ्रॉड जमा हो के है, और नीचे से ये पानी की जो जोर आ रही ना, ये पूरे नीचे लो लेवल स्लुइस बना दिए। लो लेवल स्लुइस है ना, नीचे एकदम नीचे से इसका पानी पूरा निकाल दे रहे हैं। अभी लोकल्स भी बताए कि जब से लो लेवल स्लुइस बना, परसों भी पूरा नीचे खोल दिए बोल के बताएं। तो इसकी एक डैशबोर्ड होना चाहिए GHMC वेबसाइट पे, इरिगेशन वेबसाइट पे, ये बताते हुए कि लो लेवल स्लुइस को कितना खोल रहे, कितना क्यूसेक्स जा रहा, कितना क्यूसेक्स इनफ्लो है, ऐसा कुछ यहाँ मेंटेनेंस नहीं है। और देखिए कितने गंदे तरीके से इसकी मेंटेनेंस भी सही नहीं है, और इतना इनफ्लो आउटफ्लो पानी जो जा रहा। अभी तक तो लेक साफ हो जाना चाहिए था इतना रेन वाटर यहाँ आने की वजह से, लेकिन ऐसी बात नहीं है, लेक स्टिल स्टिंकिंग। तो ये जो ऑफिसर्स केयर नहीं कर रहे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स केयर नहीं कर रहे, तो सिटीजन के ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी रहती कि हम होशियार रहना, और हम अपने सिटी की तबाही से हम उसको रोकना। सिटीजन को मालूम नहीं कि कितना पानी छोड़ रहे, लो लेवल स्लुइस से कितना खाली हो रहा, लोकल से बोल रहे लो लेवल स्लुइस की वजह से तालाब खाली हो रहा बोल के। तो ऐसा है, वियर को नीचा करे, वियर को नीचा करके तोड़ने के बाद वियर को फिर रिस्टोर करो बोल के हम NGT में डाले, लेकिन वो भी प्रेयर कुछ भी नहीं बोल के वो भी डिसमिस हो गया, और ऊपर से कुछ कमिटी बना के छोड़ दिए। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी कमिटी क्यों उठाना भाई। ये और एक वेंट, ये लास्ट वेंट पे आ गए हम लोग अभी, और यहाँ से भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सिटीजन्स की ज़्यादा ज़िम्मेदारी रहती है, सिटीजन्स ज़्यादा होशियार रहना, और सिटीजन्स से ज़्यादा सवाल डालना, ज़्यादा उनसे बोलते जाना कि हमको ये नहीं चाहिए, हमको आज नीड चाहिए, हमको नीड चाहिए, तालाब सही चाहिए बोल के हमने बताना चाहिए उनको। ज़िम्मेदारी है अपनी, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ज़िम्मेदारी अपनी नहीं निभा रहे हैं। ये देखिए फुटपाथ के ऊपर, यहाँ पर इनकी GHMC की शान की टॉयलेट है, ये है इनकी शान, ये देखिए GHMC टॉयलेट ऐसी पूरी शाम्बल्स में पड़ी हुई है। कौन, किसका पैसा था ये पूरा, कौन इसको ऑर्डर दिया, ये देखिए। मैं दूसरा व्यू आपको बता रही हूँ, दिस इज़ द फुल व्यू, ऑलमोस्ट नियर रोड व्यू। वो पूरा वहाँ पर उतनी सारी ऑब्स्ट्रक्शंस है, वो पूरा क्लियर करना चाहिए। इतनी बड़ी खूबसूरत, और पहले की जो कैस्केडिंग थी बहुत, जो निज़ाम के ज़माने की, जो तब की ज़माने की जो बंड थी, वो बहुत कैस्केडिंग और बहुत एस्थेटिक था वो। अब ये इनकी टपरी सीमेंट में कुछ बना दिए। तो जब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी ज़िम्मेदारी नहीं कर रहे हैं, तो पब्लिक ने होशियार होना चाहिए, बस यही मेरा सबसे अपील है, नॉट टू द गवर्नमेंट, नॉट टू द इलेक्टेड सेलेक्टेड, बट टू द पब्लिक, कि हम लोगों ने और ज़्यादा होशियार रहना चाहिए, हम लोगों ने और हमने और अपना वर्क एथिक्स और वर्क अपना हम एक्सेल करके, अब ये ज़माना आ गया कि हम पब्लिक ने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को रास्ता बताना चाहिए।